दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में जो भी बिजली के उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं, उनके कितने यूनिट महीने में आएंगे, कितना बिजली का बिल आने वाला है, कितने यूनिट आने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है सौरभ सिंह, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु टेक के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि घर में बहुत सारे बिजली के उपकरण होते हैं और हमें ये पता लगाना होता है कि मंथली में, जैसे महीने के अंत तक, कितने यूनिट मेरे खर्च हो रहे हैं। उसको जानने के लिए आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। आपको सिंपली UPPCL ऑनलाइन यहाँ पे जो है लिख करके सर्च करना है और ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं ये वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं या फिर UPPCL के इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप जूम कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंजप्शन कैलकुलेटर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पे आपको देखिएगा कुछ इस तरीके का पेज। तो आपको यहाँ पे जूम कर लेना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अप्लायंसेस का ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और जो जो उपकरण आपके घर में हैं, जो जो आप यूज़ कर रहे हो, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं CFL लैंप की बात करूँ, CFL बल्ब की, तो CFL बल्ब आपको यहाँ पे लैंप जो है सेलेक्ट करना है। कितने वाट का है ये बताना है, जैसे 8 वाट का है, 9 वाट का, 10 वाट का, 11 वाट का, 12 या 15, 20। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 8, 11, 15, 20, तो मैं यहाँ पे 8 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। इसके बाद आपको बताना है कि कितने इक्विपमेंट हैं, मतलब ये जो बल्ब है CFL बल्ब कितने यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको बताना है कि कितने घंटे एक दिन में ये यूज होता है। जैसे मैं शाम को 6 बजे चलाता हूँ, सुबह 6 बजे जो है बंद करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 12 घंटे को सेलेक्ट कर लूँगा। आप पूरे दिन चलाते हो तो 24 घंटे सेलेक्ट कर सकते हो, या अपने हिसाब से 1-2 घंटे चलाते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको बताना है कि महीने में आप कितने दिन चलाते हो, तो महीने में पूरे दिन अगर आप चलाते हो तो 30 या 31 सेलेक्ट कर लीजिए, या इससे कम आप यूज़ करते हो तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे नीचे बता दिया जाएगा कि टोटल कंजप्शन इन किलो वाट हावर्स यूनिट, मतलब कितने यूनिट, यहाँ पे 1440 यहाँ पे यूनिट आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से 14.40 है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, तो 14.40 यहाँ पे यूनिट जो है यूज होगा। अगर आप इतने उपकरण जो है यूज करते हो अपने घर में, 5 CFL यूज़ करते हो 8 वाट के, और डेली जो है 12 घंटे यूज़ करते हो, महीने में 30 दिन यूज़ करते हो, तो आपको केवल 14.40 यहाँ पे यूनिट आएगा बिल। इसके बाद आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, जितने भी पर यूनिट पे जितने भी रुपए हों उनसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहीं पे कि इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग अप्लायंसेस जितने भी यूज़ कर रहे हो आप, जैसे कि पंप मोटर है, या फिर रूम हीटर है, टोस्टर है, ट्यूबलाइट्स है, जितने भी सामान यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट करते जाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट छोटा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली जो है CFL बल्ब को लेकर के बता दिया है। एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल और केवल जो यूनिट है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट रुपए से, तो आपका बिल नहीं निकल पाएगा, वो थोड़ा कम ही होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके घर में जो मीटर लगा होगा वो कितने वाट किलो वाट का है, उसके ऊपर भी कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, लगभग 200 से 250 रुपये तक वो चार्जेस होते हैं फिक्स, उसको तो आपको देना ही है। और उसके बाद जो यूनिट आप यूज़ कर रहे हो उसके जो है मल्टीप्लाई कर लेने हैं रुपए से, इसके बाद ही आपको जो है टोटल बिल पता हो पाएगा कि मंथली आपका महीने में कितना बिल आ रहा है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो था कि आप अपने घर में जितने भी उपकरण यूज कर रहे हैं बिजली के, उनके कितने यूनिट आपके आ रहे हैं, आ सकते हैं, ये आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो यहाँ पे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।